क्लास 8 में थे, एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से एक्सरसाइज 16.1 में थे हम, और 16.1 के क्वेश्चन नंबर किस में पहुंच गए, क्वेश्चन नंबर 6 में पहुंच गए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 है और जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो दोनों देखने में सेम टू सेम है। ठीक है, दोनों देखने में सेम टू सेम है, यहाँ भी ए बी है और यहाँ भी ए बी है। ठीक है, दो डिजिट का ये जो नंबर है ए बी है, यहाँ भी ए बी है, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ है और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, आया सी ए बी ही है, यही बी जो यहाँ डिजिट होगा वही डिजिट यहाँ भी होना चाहिए, जो यहाँ पे डिजिट है वही डिजिट यहाँ पर भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि ए बी को 5 से हमको मल्टीप्लाई करना है और आना चाहिए सी ए बी। ठीक है, तो जब भी हम 5 से बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ यूनिट डिजिट के बारे में या पहले डिजिट के बारे में, लेफ्ट राइट हैंड से जो पहला डिजिट आता है उस डिजिट के बारे में यदि आप सोचिए, तो 5 को यदि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आता है। ठीक है, 5 को 0, क्योंकि 0 से लेके 9 तक हम चेक करते हैं, तो 0 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 आता है। तो यहाँ पे 0 रखे तो ये 0 हो जा रहा है, इसका मतलब पहला डिजिट 0 हमको मिल जाता है। अभी 1 रखे तो 5, 1 जा 5 होता है, तो 1 रखे तो 5 आया। ठीक है, तो यहाँ 1 रखे यहाँ 5 आया, तो ये 1 और 5 दोनों अलग अलग है, यहाँ 1 रखे और यहाँ भी 1 आ जाता तो फिर हम 1 चेक कर रख सकते थे। ठीक है, लेकिन 1 गलत होगा क्योंकि हम 1 रखे और 5, 1 जा 5, यहाँ 5 आया तो नहीं होगा। ठीक है, अभी आप 2 के बारे में सोचिए तो यहाँ 2 रखे तो यहाँ 0 आएगा, क्योंकि 5, 2 जा 10 होता है, तो 0 आया। 10 में क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या होता है, 0 होता है, इसलिए हम सिर्फ यूनिट डिजिट के बारे में सोच रहे हैं, तो 2 रखे तो यह 0 आया। ठीक है, अभी 3 रखेंगे तो 15 आता है, मतलब 5 आता है, तो 3 रखने से 5 आया, मतलब कि रॉन्ग है। ठीक है, मतलब नहीं, 3 नहीं होगा। ठीक है, 4 रखे तो क्या होगा, 0 आएगा। वैसे 5 रखेंगे जब तो 5 जा 25, और 25 का यूनिट डिजिट 5 होता है, इसलिए यहाँ भी 5 आया और यहाँ भी 5। यानी कि क्या हुआ कि सिंस द वंस डिजिट ऑफ बी इंटू 5 इज 5। ठीक है, बी इंटू 5, जब बी को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वंस डिजिट क्या है, बी है, और इसके लिए क्या है, बीज वैल्यू विल बी या तो 0 होगा या तो क्या होगा, 5। हम चेक करते हुए 5 तक पहुँचे थे, तो 0 होगा या तो 5 होगा। 6 को यदि आप चेक करना चाहते हो, 6 को भी चेक किया, 5 6 या 30 होता है, 0 आएगा, नहीं होगा। 7 रखेंगे तो 5 आएगा, 8 रखेंगे तो 0 आएगा, 9 रखेंगे तो 5 आएगा, यानी कि ये यहाँ पे जो रखेंगे वो यहाँ पे नहीं आएगा, सिर्फ 0 और 5 के टाइम पर ही सेम टू सेम आएगा। तो फर्स्ट डिजिट बी का जो डिजिट है वो हमको मिल गया, या तो 0 होगा या तो 5 होगा। ठीक है, तो 0 और 5 दोनों के लिए हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट डिजिट हमारा क्लियर हो गया, यानी यूनिट डिजिट हमारा क्लियर, प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब दूसरे डिजिट के बारे में सोचते हैं। तो जब भी हम दूसरे डिजिट के बारे में सोचेंगे तो सबसे पहले इसको बी के डिजिट, क्योंकि बी के लिए दो अल्टरनेट ऑप्शन मिला है, एक तो 0 और एक 5, तो पहले 0 के 0 लेकर ए के डिजिट को चेक कर लेंगे क्या आएगा, फिर 5 लेकर ए के डिजिट को चेक कर लेंगे कि क्या आएगा। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन मैंने क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ b इज इक्वल टू 5 ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम ये है कि यहाँ पे b का वैल्यू 0 आएगा, ये मैं क्वेश्चन नंबर 5 में मैं आपको बोला था। ठीक है, तो उसमें भी ये जरूरी नहीं था कि आपको 5 लेना ही है, आप यदि वहाँ पर भी यदि 0 से चालू करते, ठीक है, तो 0 में आपको आंसर आ गया होता, लेकिन फिर भी 5 को बाद में आप दिखा सकते थे कि 5 से वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, तो अब हम b इक्वल टू 0 के लिए सबसे पहला चेक कर लेते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी यही करना था कि b इक्वल टू 0 के लिए पहले ले लेना था, बाद में b इक्वल टू 5 के लिए लेना था। b इक्वल टू 0 जब लेंगे तो आंसर आ जाएगा, b इक्वल टू 5 लेंगे तब आंसर नहीं आएगा, वहां दिखा देंगे कि आंसर नहीं आया। ठीक है, तो b इक्वल टू 0 ही आंसर होगा।
ठीक है, तो वहां ऐसा भी कर सकते थे, जो मैं किया वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई रॉन्ग नहीं है। ठीक है, अब यहां पे b इक्वल टू जीरो के लिए सबसे पहले देख लीजिए, तो b हमने जीरो रखा तो a जीरो फाइव हो गया, c a b का वैल्यू जीरो रखा तो यहां भी जीरो हो जाएगा, तो a जीरो फाइव c a जीरो हो गया। ओके, b इक्वल टू जीरो रखने पे अब a के हर एक वैल्यू के लिए चेक कीजिए, a का वैल्यू पहले जीरो रखिए तो फाइव जीरो। अब आपके पास दो कंडीशंस हमेशा है, मैंने आपको पहले भी बताया कि दो कंडीशंस हमेशा है कि किसी भी नंबर का पहला डिजिट, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो डिजिट है, ठीक है, पहला डिजिट कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं रहना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का पहला डिजिट, ठीक है, जहां की यहां सी है उस जगह में जीरो कभी हमको नहीं लेना है। ठीक है, उस जगह में जीरो नहीं आना चाहिए, उस तरह का कोई डिजिट सोचना ही नहीं है जिससे कि जीरो आए। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन ये था इस पजल का। और दूसरा इस पजल का क्या कंडीशन था, दूसरा ये कंडीशन था कि एक लेटर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट आएगा। ठीक है, एक लेटर के लिए एक डिजिट, ओके हो गया। अब आप एक एक करके चेक कर दिए, फाइव जीरो जीरो हो गया। अब यहाँ पे जीरो आप ले नहीं सकते क्योंकि वैल्यू जीरो आएगा और यहाँ दो डिजिट है, एक डिजिट तो है नहीं, तो फाइव जीरो जीरो सिर्फ एक ही डिजिट आया तो गलत होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए का वैल्यू वन लीजिए तो फाइव वन जा फाइव होता है। ठीक है, तो वन लेने से यहाँ पे फाइव आ रहा है, सबसे पहले तो वो एक डिजिट ही होता है, यहाँ पे दो डिजिट है तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और फिर भी यदि राइट होता भी तो यहाँ वन लेने से यहाँ फाइव आता है, तो वन और फाइव दोनों अलग अलग है तो वन तो होगा नहीं। टू लीजिए तो टू लेंगे तो फाइव टू जा टेन जीरो आ गया, यहाँ पे टू लेने से जीरो आता है, मतलब यूनिट डिजिट सिर्फ सोचिए। ठीक है, यूनिट डिजिट के अलावे सी तक अपने को सोचना नहीं है, सबसे पहले सी ए का यूनिट डिजिट क्या है, ए बन रहा है, फाइव को ए से मल्टीप्लाई करने से ये दोनों हमको निकालना है, तो सिर्फ इसके बारे में ए के बारे में सोचिए। तो फाइव टू जा टेन हुआ, फाइव थ्री जा फिफ्टीन हुआ, थ्री रखे तो फाइव आया, फोर रखे तो क्या आएगा, तो फोर रखे तो जीरो आएगा, फाइव रखे तो ट्वेंटी फाइव आता है, यहाँ फाइव रखने से यहाँ फाइव आता है, ट्वेंटी फाइव में फाइव होता है। ठीक है, तो फाइव आ रहा है, इसका मतलब है कि फाइव एक आंसर हो सकता है। दूसरा सिक्स के लिए चेक कीजिए तो यहाँ जीरो आएगा, सेवन तो फाइव आएगा, एट रखेंगे तो जीरो आएगा, नाइन रखेंगे कि नाइन फोर फाइव नाइन जब फोर्टी फाइव होता है तो नाइन रखेंगे तो फाइव आएगा, तो मतलब और दूसरा कोई होगा ही नहीं, सिर्फ फाइव से ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो अगला क्या आएगा हमारा, इसलिए मैंने लिखा हियर वंस डिजिट ऑफ ए इंटू फाइव। अब ए इंटू फाइव का वंस डिजिट क्या चाहिए आपको, ए ही चाहिए ना, इज ए। ठीक है, वंस डिजिट क्या है, ए है, एंड फॉर दिस इसके लिए क्या है, इट हैव इज ओनली वन पॉसिबल वैल्यू, ए इज इक्वल टू फाइव, सिर्फ एक इक्वल टू फाइव ही एक पॉसिबल वैल्यू है, दूसरा कोई पॉसिबल वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि सबके लिए मैंने चेक कर लिया और कहीं वैल्यू फिट नहीं हुआ, तो ए इज इक्वल टू फाइव ही हमारा एक ही पॉसिबल वैल्यू है। तो यदि एक ही पॉसिबल वैल्यू है तो पहले हमने बी इक्वल टू जीरो कंसिडर किया था, ए का वैल्यू फाइव आ गया, तो क्या हो जाएगा, अब ए बी इंटू फाइव है तो ए के जगह में हो गया क्या फाइव, बी के जगह में जीरो हो गया, और फाइव तो फाइव अपनी जगह में है ही है, तो फाइव जीरो जै जीरो हो गया, फाइव फाइव जै ट्वेंटी फाइव हो गया, टू फाइव जीरो वैल्यू आ गया। सो दिस फुलफिल द कंडीशन, ये जो है कंडीशन को हमारा फुलफिल कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, b इज इक्वल टू जीरो हुआ, जो हमने b इक्वल टू जीरो लिया था ये हुआ, a इक्वल टू फाइव जो आया था ये हुआ, और c का वैल्यू अपने आप क्या आ गया, टू आ गया, ये तो कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे टू वैल्यू आया इसलिए टू, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, लेकिन अभी b इज इक्वल टू जीरो लिया है, जबकि एक और पॉसिबिलिटी है कि b इज इक्वल टू फाइव भी हो सकता है, तो अब फाइव के लिए हमको चेक करना है। ठीक है, अब हम अगला क्या करते हैं कि इफ बी इज इक्वल टू फाइव देन, तब क्या होगा, ए बी फाइव है, सी ए बी है, तो ए बी फाइव ए बी है, तो यहाँ ए और फाइव लिख दिए क्योंकि बी इक्वल टू फाइव हमने माना है, यहाँ फाइव लिख दिए, नीचे फाइव है ही, अब सी ए फाइव। अब यहाँ पर भी क्या है कि नौ, यहाँ पर भी क्या है कि 5 को a से मल्टीप्लाई जब भी करें तो सी ए दो डिजिट वाला नंबर आए, सॉरी 5 5 जा 25, 2
कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है, टू यहाँ पे आएगा, आएगा ना, तो फाइव को ए से मल्टीप्लाई करके टू से प्लस करने के बाद जो भी नंबर आए उसका फर्स्ट डिजिट इसके सेम टू सेम होना चाहिए, यानी फाइव वन जा, यदि वन लिए, ए का वैल्यू वन लिए तो फाइव वन जा फाइव होता है, तो फाइव वन जा फाइव प्लस टू, यहाँ पे हमने रखा वन, ठीक है, लेकिन फाइव वन जा फाइव और टू सेवन हुआ, तो यहाँ पे सेवन आया, तो वन रखने पे वैल्यू सेवन आ रहा है, ध्यान रखने का, टू रखने पे ट्वेल्व आ रहा है, थ्री रखने पे, यहाँ पे हमने थ्री रखा तो फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फिफ्टीन और टू सिक्सटीन सेवनटीन, ठीक है सेवनटीन, तो थ्री रखने पे यहाँ सेवन आ रहा है, ठीक है सेवनटीन में सेवन होता है, ठीक है यूनिट डिजिट में, तो सेवन आ रहा है, तो थ्री रखने पे सेवन आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमको एक एक नंबर को चेक करना है। तो अब क्या चाहिए आपको, तो मैंने क्या लिखा, नौ वंस डिजिट ऑफ टू प्लस ए इंटू फाइव, क्योंकि ए इंटू फाइव है और टू जो है कैरी फॉरवर्ड वाला है, क्योंकि फाइव फाइव या ट्वेंटी फाइव है, उसका कैरी फॉरवर्ड टू तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है, तो टू प्लस होगा, इज ए, वो क्या है, ए है, सो एज वैल्यू विल बी, तो इस समय में ए का वैल्यू क्या क्या आएगा, टू आएगा और सेवन आएगा। चेक करना चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, जीरो आप रख नहीं सकते, क्योंकि जीरो रखने से क्या होगा, फाइव जीरो सा जीरो टू हो गया, सिर्फ एक डिजिट बना, तो एक डिजिट तो चाहिए नहीं हमारे पास, हमको तो दो डिजिट चाहिए, ठीक है, और पहला डिजिट जीरो होना भी नहीं चाहिए, इसीलिए जीरो तो होगा नहीं, वन रखेंगे तो फाइव वन जा फाइव और टू सेवन हो गया, तो ये भी एक ही डिजिट, सेवन एक ही डिजिट बना, यहाँ पे दो डिजिट चाहिए, तो वन जा होगा नहीं, अब टू जा से चालू कीजिए, फाइव टू जा, यहाँ पे टू रखिए, तो फाइव टू जा टेन, टेन और टू ट्वेल्व, ट्वेल्व कैसे लिखते हैं, वन और टू, समझे ना, तो क्या होगा, यहाँ पे ए का वैल्यू टू रखने से यहाँ पे टू आ गया, आया ना यहाँ पे टू, 12 में 1 और 2 होता है, तो 2 रखने से यहाँ पे 2 आ गया, इसलिए पहला वैल्यू 2 हुआ, आ गया समझ में, सेकेंड वैल्यू अब 5 3 जा गया, 5 3 जा 15, 15 2 17, 17 में 7 होता है, ठीक है, तो 3 रखने से 7 आया, तो नहीं होगा, 4 रखे तो 5 4 जा 20, 22 22 हो जाएगा, 4 रखने से यहाँ पे 2 आता है, नहीं होगा, फिर फाइव रखें ना, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, टू ट्वेंटी सेवन, फाइव रखने से सेवन आया, तो नहीं होगा, क्योंकि फाइव रखने से हमको फाइव ही चाहिए, सिक्स रखे तो फाइव सिक्स जा थर्टी, थर्टी और टू प्लस की थर्टी टू हुआ, तो थर्टी टू में यहाँ सिक्स रखे तो टू आया, तो नहीं होगा, अभी सेवन रखे तो फाइव सेवन जा थर्टी फाइव और टू थर्टी सेवन, तो फाइव रखने से थ्री और सेवन आया, सॉरी सेवन रखने से, सेवन रखने से यहाँ थ्री और सेवन आया, तो सेवन रखने से सेवन आ गया, इसके लिए सेवन भी हमारा होगा, ठीक है, वैसे एट के लिए नहीं होगा, क्योंकि फाइव एट जा फोर्टी, फोर्टी टू हो जाएगा, नाइन रखने से फोर्टी नाइन और टू फोर्टी फोर्टी फाइव और टू फोर्टी सेवन हो जाएगा, तो नाइन रखने से सेवन आ गया, तो नहीं, ठीक है, तो सिर्फ टू और सेवन ही हमारा वैल्यू हो सकता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगला क्या कीजिए कि b का वैल्यू, आपने b b का वैल्यू तो 5 आपने लिया ही है, ठीक है, उसके उसके ही बेस पे हमने आगे का कैलकुलेशन किया था, तो b का वैल्यू तो 5 लेना ही लेना है, तो b के जगह में हमने यहाँ 5 लिख दिया, ठीक है, एक पार्ट ये बनाया और यहाँ भी b के जगह में 5 लिख दिया, दूसरा पार्ट ये बनाया, क्योंकि वैल्यू 2 और 7 दोनों आ रहा है, इसलिए 2 रखा, एक जगह में यहाँ 2 रखा और यहाँ एक जगह में 7 रखा, यदि इफ़ a इज इक्वल टू 2, इफ़ a इज इक्वल टू 7, आ गया समझ में, तो a इज इक्वल टू 2 है तो वैल्यू इस तरह से होगा, a इज इक्वल टू 7 है तो वैल्यू इस तरह से होगा, आ गया समझ में, तो ए रखे तो 25 5 हो गया, 125 आंसर आ गया, और 7 रखे तो 75 को 5 से मल्टीप्लाई 375, ठीक है, दोनों, सो दिस फुलफिल द कंडीशन, ये भी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि हमारा जो जो रिक्वायरमेंट था उससे इससे ये पूरा हो रहा है, ठीक है, और 7 रखने से जो भी था वो सब फुलफिल हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यदि हमने बी 5 लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बी 5 लेके हम किए हैं जो भी किए हैं, तो बी 5 लिया है तो ए 2 और सी 1 आया पहला आंसर, पहला आंसर तो ऊपर ही आ गया था, ठीक है, दूसरा आंसर आया, दूसरा आंसर आया,
तीसरा दिस फुलफिल द कंडीशन, इस जगह में क्या है बी फाइव है और ए सेवन, यहाँ ए टू था यहाँ ए सेवन है ठीक है, और सी थ्री है ठीक है, यहाँ पे सी का वैल्यू थ्री आया, तो ये तीसरा आंसर हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा पहला जो आंसर आया था बी इज इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू फाइव और सी इक्वल टू टू, जब हम बी जीरो लिए थे तो ए और सी का एक ही वैल्यू आया था, वो इस तरह से आया था, जब भी बी का वैल्यू हमने फाइव लिया तो एक ये आंसर आया और एक ये आंसर आया ठीक है, ये दो आंसर आया, बी इक्वल टू फाइव लिए तो ए इक्वल टू टू आया और सी इक्वल टू वन आया, और बी इक्वल टू फाइव लिए तो ए इक्वल टू सेवन आया और सी इक्वल टू थ्री आया ठीक है। तो इस बार इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर सिक्स में तीन आंसर हुए ठीक है, लेकिन बुक में आपके एक ही आंसर दिया हुआ है ठीक है, सिक्स में एक ही आंसर दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू फाइव, ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू फाइव ठीक है, बी इज इक्वल टू जीरो एंड सी इज इक्वल टू टू, ये वाला आंसर ही दिया हुआ है। तो लेकिन ये तीनों के तीनों आंसर सही है, फिर आपको आपके स्कूल में कैसा समझाते हैं उसके हिसाब से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज यदि स्कूल को नहीं आपको फॉलो करना है तो ये तीनों के तीनों आंसर सही हैं और ये पूरे के पूरे प्रोसेस यहाँ तक बनेंगे तभी आपके फुल सॉल्यूशन होंगे ठीक है। आ गया होगा आप लोगों को समझ में ठीक है।